गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, 2-3 मिनट वेट कीजिए बेटा, ठीक है? इतने बाकी सब ऐड हो जाते हैं। यस मैम। ओके बेटा। सो बेटा सबको पीडीएफ शो हो रहा है? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो कल हमने बेटा केस ए तक डिस्कस कर लिया था। वैसे जो आपका सिलेबस के अंदर डीजेनरेसी का जो टॉपिक है ना, वो बोस आइंस्टीन का ही है, ठीक है? वो फर्मी डिराक का मेंशन नहीं है, मैंने चेक किया था। फिर भी कोई बात नहीं, यदि एग्जाम में वैसे तो देखो कोई आने के चांस नहीं है इसके, फिर भी 1% लगा ले, डाल भी दे, तो केवल आप यहाँ केस ए है ना, यहाँ
बस यहीं तक इसको करके आएंगे, ठीक है? सिर्फ आप यदि डिजनरेसी पूछे भी नॉलेज के लिए भी, तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप की होती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। वीक को आप ये एक्सप्लेन कर दोगे जो मैंने कल आपको डिस्कस करवा दिया था, ठीक है बेटा? यस मैम। एंड स्ट्रॉन्ग जो डिजनरेसी है बेटा, उसमें आप बस जस्ट इतना बताओगे, यहाँ तक बता के कि होती क्या है, किस टाइप से क्या क्या कंडीशंस होगी जिसकी वजह से आपकी जो डिजनरेसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद दो टेम्परेचर पे बता देना कि दो टाइप की होती है, एक तो हम एब्सोल्यूट 0 पे डिजनरेसी स्ट्रॉन्ग चेक कर सकते हैं, एक टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। एक केस यहाँ पे डिस्कस कर देना एट एब्सोल्यूट 0, ठीक है? वो जो हमने कल डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। कोई डाउट है यहाँ तक, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा है डिजनरेसी का उसके अंदर? नो मैम। ओके बेटा, जो केस बी है उसको छोड़ देना, ठीक है? ये नहीं आएगा। बहुत ही, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, है तो इजी, लेकिन वही है, इतना कैलकुलेटिव केस है, इतना नहीं डालेंगे वो एग्जाम के अंदर। आज तक नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा, ठीक है? चलें बेटा, यस मैम। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स, ठीक है? मेटल्स के अंदर हमें देखना है इलेक्ट्रॉन गैस कैसे होती है, ये हमें स्टडी करना है, और कुछ इसके पर्टिकुलर हमें मींस मैथमेटिकल पार्ट भी स्टडी करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता रखे हैं, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सो देखिए, मेटलिक कंडक्टर के अंदर बेटा कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताइए बेटा। यस मैम। हाँ, आपको पता है कोई भी मेटल है, मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होता है, और कंडक्टर के इनसाइड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, मोबाइल होने की वजह से ही मेटल क्या कर पाता है? कंडक्ट कर पाता है, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं मेटलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब वो इमोबाइल होंगे तो कैसे कंडक्शन होगा? क्या कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है इमोबाइल होने के बाद? नो मैम। हाँ, तो कोई भी आपका मेटलिक कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होंगे। आप उनको ये जो स्टडी कर पाओगे किसकी हेल्प से, ये जो हमें टॉपिक पढ़ना है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? इलेक्ट्रॉन गैस करेंगे। तो ये हम कैसे स्टडी करेंगे? अभी अभी हमने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते आ रहे हैं काफी दिनों से, फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? तो इस लॉ की हेल्प से हम किसी भी मेटलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, ठीक है? चलो आगे। अब बेटा जो आपका मेटल होता है, बेसिकली वो होता क्या है? मेटल जो है एक सिस्टम से बना होता है, उस मतलब एक सिस्टम जो है उस हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। और उस सिस्टम के अंदर क्या होगा? एक फिक्स्ड पॉजिटिव न्यूक्लियाई होगा। जैसे मान लिया ये मेरा मेटल है, ठीक है? ये मेटल है, इसके अंदर क्या होगा? एक फिक्स्ड पॉजिटिव न्यूक्लियाई होगा बीच में, सेंटर में, ठीक है? और उसके चारों तरफ क्या होंगे, मतलब उसके आसपास क्या होंगे? ए नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। केवल इमोबाइल क्या होगा? न्यूक्लियाई होगा, ठीक है? ध्यान रहेगा सबको, यस मैम। मेटल के यस अंदर बेटा मैम। दो चीजें होती हैं, वो दो चीजों से ही सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि सिस्टम किससे बना है, मींस मेटल किससे बना है? एक तो बीच में एक फिक्स्ड न्यूक्लियाई होगा, और उसके आसपास लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोबाइल का मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे मेटल के अंदर, जैसे गैस के पार्टिकल मूव करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर करते हैं। यस मैम। आपको पता है ना, किसी कंटेनर में हमने गैस ले ली तो रैंडम मोशन है। हाँ, रैंडम मोशन होगा। वेरी गुड बेटा, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, और वो और जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी वॉल से भी क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। आई थिंक आप सबको, आप ऑलरेडी फैमिलियर हो इस स्टेटमेंट से, ठीक है?
यस हाँ, मैम तो ये जो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, गैस के पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे मेटल के अंदर क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। अब मोबाइल है तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे आपस में भी, और किससे, जो बीच में क्या होगा, एक फिक्स्ड न्यूक्लियाई होगा बीच में, उससे भी क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे। ठीक है बेटा, यस मैम इनके कॉलिजन की वजह से, इनके रैंडम मोशन की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, हम इनको कहेंगे ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, आई यस मैम थिंक आपको इलेक्ट्रॉन गैस समझ आ गई है, यस मैम यस आ गई मैम है। हाँ, उसके बाद देखिए बेटा, अब हमने देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गैस का, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्लासिकल स्टैट होती है, वो आपको कुछ इंस्टेंट तक मेटल की बहुत सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी जैसे आपने कुछ पढ़ी है प्लस टू के अंदर पढ़ी है, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, कुछ आप और हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये किसके अंदर आती है, क्लासिकल स्टैट के अंदर आती है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गैस का, इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर पाते हैं, कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कंडक्शन होता है, तो थर्मो इलेक्ट्रोसिटी, थर्माइनिक एमिशन, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे के सारे हैं, हम जो ये जो हमारे एप्लीकेशंस है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि एक इसने बता रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, पढ़ा है आपने स्पेसिफिक हीट, कहाँ यस मैम पढ़ा है स्पेसिफिक हीट, केमिस्ट्री में मैम यस केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ा, और फिजिक्स में भी तो पढ़ते हो ना, आपने कौन से क्लास में पढ़ा था, सीपी और सीवी वाला, 11th में पढ़ा था आपने कुछ, इलेवेंथ में यस मैम वेरी गुड बेटा, तो वहां भी पढ़ा था। तो कुछ और ऐसी प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक हीट, अब जैसे देखो जब तुम छोटी क्लासेस में थे, मीन्स प्लस टू तक थे, आपको क्या पता था कि फिजिक्स भी दो टाइप की होती, क्लासिकल और क्वांटम, नहीं पता था ना, इसी तरह से ये जो क्लासिकल और क्वांटम, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में भी पता लग गया कि दो टाइप की होती है, क्लासिकल होती है और एक क्वांटम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी ना पता था ये प्रॉपर्टी क्लासिकल के अंदर आती है, ये क्वांटम के अंदर आती है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन काफी दिन हो गए हैं, क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपको पहले भी बताया था, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम कैसे पार्टिकल को स्टडी करते हैं, माइक्रो या मैक्रो को करते हैं, मैक्रो मैम वेरी गुड मैक्रो बेटा, मैम और क्वांटम के अंदर माइक्रो मैम वेरी गुड बेटा, माइक्रो मैम बहुत बढ़िया। माइक्रो मैम तो मतलब जिस बच्चे को ये पता है ना, जब भी आप हायर क्लासेस में जाते हो, यदि आपको फिजिक्स से कुछ मास्टर्स करनी है, तो आपसे यही क्वेश्चन होगा, आपको सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो यही डिफरेंस है। ठीक है, किस टाइप के पार्टिकल्स को आप स्टडी करते हो, एक में लार्ज को करते हैं, एक में स्मॉल को करते हैं, और आपने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम क्लासिकल स्टैट से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुछ मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी अराइज हो रही थी। ठीक है, तो फिर क्या किया, जो सोमरफील्ड था, सोमरफील्ड कहाँ पढ़ा आपने कभी, इसका नाम सुना है सोमरफील्ड, मैम साइंटिस्ट थे कोई, इन्होंने डिस्कवरी की थी किस चीज की थी? मैम क्वांट न्यू क्वांटम स्टैटिक्स की। हाँ, बोहर सोमरफील्ड थ्योरी सुनी है आपने, ऑर्बिट की जो दी थी बोहर ने, यस मैम हाँ वो भी आप आगे पढ़ोगी। ठीक है, बोहर सोमरफील्ड थ्योरी, कुछ ऑर्बिट की थ्योरी दी थी उसने कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो उसने सोमरफील्ड ने क्या किया, 1928 के अंदर जो मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है
वो उसने एक्सप्लेन की न्यू क्वांटम स्टेट के बेसिस पे। पहले तो देखो ये ओल्ड क्लासिकल स्टेट के बेसिस पे हम इसको स्टडी कर रहे थे, लेकिन बाद में सोमरफील्ड आया, उसने ये जो इलेक्ट्रॉन गैस का बिहेवियर है वो कौन से टाइप की स्टेट की हेल्प से, मतलब न्यू क्वांटम स्टेट में उसने उसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या ऐसा नया बताया वो भी आप आगे पढ़ेंगे। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है, अप टू दिस पॉइंट? यस मैम। हाँ, तो सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग नई क्वांटम स्टेट के अंदर जो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, पहले तो क्लासिकल स्टेट में तो क्या कर रहे थे कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल होते, पूरी तरह मोबाइल होते, फ्रीली होते हैं, यही कहते आ रहे थे। लेकिन फिर सोमरफील्ड आया 1928 के अंदर, उसने ऐसा बोला कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे होते, पार्शियली फ्री होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली नहीं होंगे, कैसे फ्री होंगे, पार्शियली। किस सेंस में पार्शियली फ्री होंगे, कि पार्शियली फ्री होते हैं लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम पर क्या होते हैं, उस एटॉमिक सिस्टम से क्या होते, बाउंड होते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, बाउंड होते हुए भी, मतलब सॉरी बाउंड ना होते हुए भी, ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम पर बाउंड ना होते हुए भी वो पार्शियली फ्री होते हैं, पूरी तरह नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यस मैम। बाउंड नहीं होगा तो यू भी तो कह सकते हैं ना कि फ्री होंगे वो। ठीक है, अब किसी चीज से बंधे ना हो तो इसका मतलब फ्री है वो। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम पे वो बाउंड होते हुए भी, बाउंड ना होते हुए भी क्या होते हैं, फ्री, पूरी तरह फ्री नहीं होते, कैसे होते, पार्शली होते हैं। ठीक है, ठीक है यस मैम। बेटा, तो उसने यस सोमरफिल्ड मैम। ने मेटल का इंटीरियर बताया कि किस तरह का होता है। ठीक है, उसने बोला मेटल का जो इंटीरियर होता है वो एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल की तरह होता है। ठीक है, कि मेटल का जो इनसाइड है वो किसकी तरह होगा, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट पोटेंशियल की तरह होगा, जो कि इंटीरियर जो है वो पॉजिटिव होगा, किसके रिलेटिव में, फ्री इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में। ठीक है, मतलब यस जो मैम। मेटल का जो इंटीरियर है वो एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल की तरह होता है, और जो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा किसके रिलेशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में। ठीक है, अब पॉजिटिव होने का क्या फायदा होगा, पॉजिटिव होने का तो ये फायदा होगा ना कि आप मेटल में से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यस मैम। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। यस मैम। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला कि मेटल का जो इंटीरियर होगा वो एक तरह से एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल की तरह है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल का मतलब वो पॉजिटिव है इनसाइड। अब इनसाइड पॉजिटिव होगा तो मेटल में से इनसाइड जो इंटीरियर है वो क्या निकाल, क्या एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर पाएगा उसके खुद में से। ठीक है, यस तो जो मेटलिक मैम। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको गैस के फ्री पार्टिकल की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि गैस के फ्री पार्टिकल कौन से टाइप के स्टेट में आते हैं, क्लासिकल स्टेट में आते हैं। ठीक है, यस मैम। तो क्लासिकल स्टेट में तो ऐसा बताया कि जैसे गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर वो मोबाइल होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री होते हैं मोबाइल का। लेकिन फिर सोमरफील्ड आया, उसने क्वांटम स्टेट के अंदर इसको रिवाइज कर दिया, इस थ्योरी को, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को। उसने बोला कि जो मेटल का जो इंटीरियर है वो एक तरह से यूनिफॉर्म पोटेंशियल की तरह होता है, और वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का क्या फायदा होगा, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इंटीरियर के अंदर वो पूरी तरह से फ्री नहीं होते हैं बल्कि पार्शियली फ्री होते। ठीक है, ठीक है बेटा, पार्शली यस मैम। फ्री होने का मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, वो बाउंड होते हैं कुछ थोड़े बहुत। ठीक है, यस उसके मैम। बाद इसमें ये बता रखा है इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होने की वजह से और डेंस पैकिंग होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन है कैसे पैक्ड है, डेंस पैक्ड है। ठीक है,
तो हम मैटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से उनको कंसिडर करेंगे, जैसे गैस के पार्टिकल हैं और उनको बहुत ही हाईली कॉम्प्रेस कर रखा है किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है। हाईली कॉम्प्रेस क्यों कर सकते हैं, क्यों कर रखा है, क्योंकि उनका मास क्या है, स्मॉल है, ठीक है। इस तरह से हम उनको कंसिडर करेंगे, ठीक है। यस मैम, यस मैम, और फर्दर मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट यही बताने जाने वाली थी। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा कौन से टाइप के स्टेट में आते हैं, फर्मी डिरैक में आते हैं, बोस आइंस्टीन में आते हैं? फर्मी डिरैक मैम। वेरी गुड बेटा, जो फर्मियोन्स हम जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उनका स्पिन कैसा होता है, हाफ इंटीग्रल होता है, ठीक है। और वो कौन सा प्रिंसिपल ऑबे करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, ओबे करेंगे तो फर्मी पार्टिकल्स होंगे, फर्मियोन्स होंगे, और ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को क्या करेंगे, ओबे करेंगे, ठीक है। यस मैम। उसके बाद आगे जस्ट इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट है, अब हम वो मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल है, इसकी मतलब कॉन्सेप्ट था किस तरह से इलेक्ट्रॉन गैस क्लासिकल स्टेट में क्या होती है और क्वांटम स्टेट में कैसे उसका बिहेवियर चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। यस मैम। स्पिन कैसी होती है, हाफ इंटीग्रल। तो जीएस को क्या बोलते हैं, इसको मैंने क्या नाम बताया था जीएस का, इसको बेटा क्या मैंने स्पिन डीजेनरेसी बोला यस मैम। था, और एस होता है स्पिन फैक्टर। लिख लो इसको चाहे कॉपी में, जीएस होता है स्पिन, जी का जो सिंबल है ना स्मॉल जी, वो डीजेनरेसी को बताता है, और एस नीचे सबस्क्रिप्ट में जो है वो स्पिन को कहेगा, स्पिन डीजेनरेसी। और आपका जो एस है वो स्पिन फैक्टर होता है, ठीक है, खाली स्पिन भी कह सकते हैं हम उसको। तो स्पिन डीजेनरेसी का फॉर्मूला होता है 2s+1, एस की जगह हाफ रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1+1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यस क्या आपने फर्मी एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला निकाला था? यस मैम। देखो इसको ध्यान से, याद है सबको? h²/2m × 3n/4πv(gs)^(into)में उसके^2/3, ये याद भी होना चाहिए आपको। इतनी बार आप देख लिखोगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक फॉर्मूले जो मेंस होते हैं ना लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आते हैं आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे h²/2m इंटू में 3n/4πv, जी एस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए रख दिया 2 यहाँ पे। आगे चले, अब देखो बेटा h²/, अब मुझे एक बात बताना यहाँ पे ध्यान से देख के, 4 2 जा कितना हो गया, ये 4 और 2, 8 की पावर 2/3 कितना होगा, 2। वेरी गुड, वो 2 बाहर आके 2 और 2 कितना हो गया, 4 कितना बना, 2 होगा या 4 बाहर आएगा, 4 आएगा मैम, 4 आएगा, क्योंकि 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी ना, तो 4 2 जब कितना आएगा, यहाँ पे 8 इंटू में m। अब देखो 3n अंदर क्या रहेगा, पाई वी की होल द पावर 2/3, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे h², ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, m से मल्टीप्लाई करूंगी, और नहीं, m की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगी और m की पावर 2/3 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, कर दूं। यस मैम। m की कितनी पावर से, हाउ मच पावर ऑफ एम आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2/3, यस करेक्ट बेटा। सो यहाँ एम आ जाएगा अंदर, पावर बाहर 2/3 है ये, बाहर नीचे डिवाइड एम की 2/3 और एक ये हो रहा है, कितनी होगी एम की टोटल, वेरी गुड, 5/3, और ये बाकी एज इट इज, यहाँ तक क्लियर है सबको।
यस मैम। आप देखो ध्यान से देखना, मैं कुछ बताने जा रही हूँ। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है? यस मैम। पार्टिकल डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो सिंपल डेंसिटी है, एन। रिपीट द आंसर। एन डी नहीं बेटा, एन बाय बी। डेंसिटी तो ऊपर तो पार्टिकल्स आएंगे या मास आएगा, नीचे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आएगा डिवाइड में भी। यस मैम। तो यदि मैं पार्टिकल डेंसिटी कहूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम मींस एन बाय बी, ठीक है? और सिंपल डेंसिटी कहूं तो मास इन टर्म ऑफ मास तो एम बाय बी। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या देख लिया, ये रो का फॉर्मूला। अब मैं पुट करने जा रही हूँ इसकी जगह एम। अच्छा, टोटल मास को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक पार्टिकल का मास इनटू में एन टोटल पार्टिकल, एम एन तो लिख सकती हूँ ना कैपिटल एम को। यस मैम। तो ध्यान से देखना, ये जो एम एन है और डिवाइड बाय वी है, इसको मैं क्या लिखूंगी? रो। और उसकी पावर कितनी होगी? 2/3, वो ये है, ठीक है? यस मैम। अब ध्यान से देखना, एच की जगह तो ये रखोगे, ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट जो होता है, 8 कांस्टेंट है, मास की इलेक्ट्रॉन का मास ये होगा 3, पाई की वैल्यू 3.14। इस सारे को सॉल्व करोगे तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इतनी आएगी, ये ठीक है? यस मैम। अब इसको और मॉडिफाई, ये तो जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करेंगे मैम? 4.2 से मल्टीप्लाई 1.23 मैम। क्या बेटा? नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा कि आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करते हो? यस मैम, आ गया याद। यस मैम, आ गया क्या? अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होते हैं। यस मैम, एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो उससे डिवाइड, इस क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा ना 1.6 × 10⁻¹⁹ से। नोट डाउन कर लेना इसको, तो जब तुम डिवाइड करोगे तब ये आएगा 39, ठीक है? तो ये जूल बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये एज इट इज रहेगा रो के पावर 2/3। चलूं अब आगे? यस मैम। ठीक है बेटा, सो अब इसके बाद एक और कुछ इसने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रखा है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन होता है उसके लिए डेंसिटी इतनी होनी चाहिए। ये जस्ट फॉर रिमेम्बर, ठीक है? आप इसको याद रखें जस्ट, ठीक है? ओके मैम। उसके बाद फर्मी टेम्परेचर निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैस का निकालेंगे। पहले तो हमने फर्मी एनर्जी पढ़ी, अब हम क्या निकालेंगे? फर्मी टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गैस का, ठीक है? यस मैम। फर्मी टेम्परेचर निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? यस वेरी गुड। फर्मी एनर्जी को के से डिवाइड कर दो, ठीक है? के कौन सा कांस्टेंट होता है बेटा? बोल्ट्जमैन। वेरी गुड। कितनी वैल्यू होती है? 1.38 × 10⁻²³ होती है। इतनी होती है बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, एच स्क्वायर, इसको के से डिवाइड कर दोगे। देखो ये थी ना आपकी फर्मी एनर्जी बेटा, ये इसको कैसे डिवाइड कर देना, या फिर आपने ये चेंज कर लेते यहाँ पे, ये वाली बेटा मैं यहाँ शो कर देती हूँ, ये वाली, ये m की पावर 2/3 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले ये आई थी फर्मी एनर्जी, इसको कैसे डिवाइड कर देना, क्या ये नहीं आएगी? यस मैम। ये वाली कैसे डिवाइड कर दोगे, यही आएगी ना? यस मैम। अब देखो एच स्क्वायर डिवाइड बाय फिर से m की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई 2/3 से डिवाइड, तो क्या यही नहीं बनेगा? यस
यस मैम फिर आप क्या रखोगे बेटा mn by v की जगह रो और रो की वैल्यू ये रखोगे कंडक्शन के लिए जो मैंने अभी ऊपर बताई ठीक है यस मैम और बेटा आप बाकी तो आपको पता ही इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है बाकी कांस्टेंट रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये रो की पावर 2/3 हो जाएगा ठीक है ये टेम्परेचर किस में केल्विन में आएगा तो जो आपका फर्मी टेम्परेचर आया उसमें 10 की पावर कितने है प्लस 5 केल्विन आई ठीक है यस मैम अब इसका मतलब क्या है फर्मी टेम्परेचर आपका 10 की पावर प्लस 5 केल्विन आई है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गैस है इस टेम्परेचर से नीचे कैसे होगी डीजनरेट होगी ठीक है यस मैम इससे ऊपर आपकी नॉन डीजनरेट होगी चलो आगे यस मैम अब डीजनरेट होगी तो आपको डीजनरेसी फैक्टर भी निकालना पड़ेगा जब आपने फर्मी एनर्जी निकाली फर्मी टेम्परेचर निकाला और डीजनरेसी बता दी किसके नीचे होगी तो आपको डीजनरेसी फैक्टर भी निकालना पड़ेगा यस मैम ठीक है वो डीजनरेसी फैक्टर निकालने का क्या ये फॉर्मूला होता है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ यस मैम वो जो F1 अल्फा आता ना उसकी जगह डी रख देना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में और इधर उधर लेके जाओगे तो यही फॉर्मूला बनेगा ठीक है ये फॉर्मूला होता है ना एन का यस मैम और डी की जगह एफ वन अल्फा तो डी निकालोगे ये सारी टर्म ऊपर ये डिवाइड में ये आ जाएगा इनटू में जीएस वो लिख लेना यहाँ वी के इनटू में जीएस ठीक है यस मैम क्लियर है एवरीवन यस मैम ठीक है बेटा तो उसके बाद जीएस की जगह क्या रखोगे टू रखोगे इलेक्ट्रॉन गैस के लिए बाकी एज इट इज अब टेम्परेचर जब एब्सोल्यूट होगा जीरो को अप्रोच करेगा तो डी कितना होगा क्या इनफिनाइट होगा देखो यहाँ पे ध्यान से टी जीरो रखा 1/0 कितना आया डी इनफिनाइट नहीं आया yes, ये वाली जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी 1/(e^(x+1) जो है वो कितनी हो जाएगी e की अल्फा को लिखेंगे 1/d इनटू ई की एक्स प्लस वन अब देखो डी इनफिनाइट रखोगे 1/∞ कितना आएगा जीरो जीरो इनटू में ई की एक्स जीरो वन आ जाएगा इसको अप्रोच करेगी ये क्वांटिटी वन को अप्रोच करेगी ठीक है बेटा यस मैम ये निकालने का क्या फायदा हुआ अभी बताती हूँ तुम्हें कहाँ यूज होता है ये वाली वैल्यू एन का ये फॉर्मूला पढ़ा था यस मैम एक्स की जगह क्या था यू था और इसके इनटू में ये वाली टर्म नहीं आती इंटीग्रल के इनटू में 1/ ये वाली टर्म आती है ना वो यहाँ पे क्या होगी 1 होगी है ठीक है देखना आप उस फॉर्मूले को इनटू में इसके ये वाली टर्म भी होगी वो यहाँ पे 1 होगी है क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे डी क्या है इनफिनाइट होगा ठीक है यस मैम अब जीएस क्या रखोगी टू रखोगी टू इंटू टू फोर वी ठीक है रूट पाई और बाकी एज इट इज इनटू में ये अच्छा ये लिमिट और चेंज कर दी है वो लिमिट चेंज कैसे हुई बता सकती हो ये लिमिट तो आप पहले ही फॉर्मूले में होती है जीरो से इनफिनिटी यहाँ पे इनफिनिटी को क्या पुट कर दिया डी डी एप क्योंकि इनफिनिटी किसको अप्रोच करे डी को ठीक है यस मैम चलो आगे अब यस मैम हाँ उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगी और लिमिट रखोगी तो x की पावर 3/2 आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद यस मैम वहां d रख देना d की पावर 3/2 और इसी से डिवाइड हो जाएगा क्या ये बन जाएगा इनका फॉर्मूला बोलो यस मैम ये करेक्शन कर लेना बेटा आपकी बुक में भी h लिखा हो तो यहाँ 4 आएगा ठीक है यस मैम अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से आपका जो डी है यहां से आप डी निकालोगे तो डी कैसे निकालोगे यहां से या आप पूरे को ले जाएंगे हाँ पूरे को उस तरफ ले जाएंगे बाकी सब वैल्यूज को तो मैम पावर 2/3 हो जाएगी यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी नाइस ठीक है समझ गए ये स्टेप्स मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे से इनको समझ गई हो ठीक है कौन बोला था वैसे अभी
मैम नेहा फोगाट। नेहा, ठीक है बेटा, नेहा, वेरी गुड। इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया है मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें मेनली बेटा यही है, कुछ डेरिवेशंस है ना, तो स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। एक तो आपको पहले जैसे समझ आ जाते हैं, फिर बाद में डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे आपको ये क्लियर है सबको? बाकी सब भी क्या करोगे, ये सारी टर्म उधर ले जाओगे और पावर 2/3 कर दोगे, तो डी की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। उसके बाद बेटा क्या करोगे आप, एम की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रखा, यही कर रखा है? यस मैम। फिर क्या कर रखा है नेक्स्ट स्टेप में? क्या रख दिया, रो रख दिया। ठीक है, तो ये जो डी की इक्वेशन है, मुझे तो क्या निकालना था, मैंने फर्मी एनर्जी निकालनी थी, फिर मैंने फर्मी टेम्परेचर निकाला और बताया कि इस टेम्परेचर के नीचे मेरी गैस कैसी होगी। मैंने आपको वो नहीं बताया था, फॉर टेम्परेचर लेस देन फर्मी टेम्परेचर बताया था, गैस विल बी डी जनरेट, क्या कंडीशन बताई थी ये? Yes, देखो तीन कंडीशन कल लेक्चर स्टार्ट करके मैंने दिखाई थी आपको, हाईलाइट भी की थी। फॉर टेम्परेचर लेस देन फर्मी टेम्परेचर गैस विल बी डीजनरेट, डीजनरेट होगी तो मुझे यहाँ पे डीजनरेसी फैक्टर निकालना था, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कर रखा है नेक्स्ट, इसमें आप H की वैल्यू रखोगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास रखोगी, K रखोगी, और ये रो भी बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए इतना होगा, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये सब यहाँ रखोगी, D की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर ये करके देखना आप। ठीक है, इसका मतलब लो टेम्परेचर पे, फॉर टेम्परेचर लेस देन फर्मी टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन गैस कैसी डीजनरेट होगी, स्ट्रॉन्गली डीजनरेट होगी, ये भी बताया था। डीजनरेसी भी दो टाइप की होगी, वीकली डीजनरेट एंड स्ट्रॉन्गली और एक नॉन डीजनरेट का केस था। ठीक है, यस मैम। इसका मतलब इसमें आगे और यही बता रखा, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए क्लासिकल स्टेट वैलिड नहीं है। ठीक है, सोमरफील्ड आया, उसने बताया इलेक्ट्रॉन गैस के लिए क्वांटम स्टेट रिवाइज करके बताई उसने, और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेम्परेचर, किस ऑर्डर का होना चाहिए, 10^5 का ऑर्डर होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, यस मैम। हम क्लासिकल स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो वैलिड नहीं होगी, लेकिन हम क्लासिकल स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 10^5 केल्विन की होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। 10 और यदि आपको कोई और कम टेम्परेचर यूज करना पड़े या फिर कोई और वर्किंग टेम्परेचर यूज करना पड़े, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन गैस का बिहेवियर स्टडी करने के लिए कौन से टाइप की स्टेट अपनानी पड़ेगी, फर्मी डायरेक्ट। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब एब्सोल्यूट जीरो भी तो लो टेम्परेचर ही होता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो कल डिस्कस करेंगे, आप इसको यहाँ से पढ़ के आओगी। यस मैम। और कोई डाउट बेटा? ठीक है, यहाँ तक सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सिलेबस के अंदर? नो मैम। ठीक है, इसको साथ साथ पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। ठीक है, बाकी फिर हम बेटा इसको कल डिस्कस करेंगे फर्दर।